नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज चनियाल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे। दोस्तों, आज आपके लेके आ रखा हूँ आर्मी जीडी का डिटेल में सिलेबस, कैसे करें एग्जाम में क्वेश्चनों को, कौन से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। और क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है हमारे पास, लगभग एग्जाम होने के 1 महीना बचा हुआ है। आई थिंक आप लोगों ने अपनी तैयारी पूरी कर कर ली होगी। जिसने नहीं भी की है, अभी भी करेगा तो सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं यहाँ पर। ठीक, सिलेबस का दायरा बहुत ज्यादा है। अगर कंपटीशन की बात करें, सिलेबस बहुत ज्यादा है, लेकिन सिलेक्टेड चीजों को पढ़ेंगे जिससे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा। ठीक, और आर्मी जीडी की बात करते हैं, खासकर उन बंदों के लिए कारगर होगा जिनका रानीखेत ओपन भर्ती में एग्जाम है। पहले 28 को था, अब आई थिंक आगे पीछे किस सके उसको मुझे पता नहीं है। ठीक, तो उसमें कैसे करेंगे क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक, आपका एग्जाम होगा 50 क्वेश्चन का, आपके एग्जाम होने वाला है। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा, यानी 100 नंबर का पेपर होने जा रहा है आर्मी का। ठीक, 50 क्वेश्चन है, 50 में से आपके देखो ये 4 पार्टों में डिवाइड है। कितने पार्टों में डिवाइड है? 4 पार्टों में डिवाइड है। 15 क्वेश्चन आपके जीएस के आएंगे, 15 क्वेश्चन आपके मैथ के आएंगे, 5 क्वेश्चन रीजनिंग के, और 15 क्वेश्चन साइंस के। साइंस और जीएस मिला के 30 क्वेश्चन आएंगे, और मैथ और रीजनिंग मिला के 20 क्वेश्चन आएंगे। अब मैं डिटेल में इनको जीएस की बात करने जा रहा हूँ, 15 क्वेश्चन जीएस की बात कर रहा हूँ। जीएस का दायरा बहुत बड़ा है। ठीक, उतना इतने कम समय में उतनी चीजों को कवर कर पाना संभव नहीं है। इसलिए मैं जीएस में कौन से टॉपिक पढ़े हैं, पढ़ने तो सभी हमने, लेकिन सिलेक्टेड पढ़ने हैं। सब्जेक्ट सारे कवर करने हैं, लेकिन सिलेक्टेड चीज कैसे पढ़े बात करते हैं। ज्योग्राफी की बात करता हूँ, भूगोल की बात करता हूँ। भूगोल में क्या पढ़ा है? भूगोल में एक हमारे राष्ट्रीय यानी इंडिया की नदियां, नदियों के बारे में पढ़ेंगे। नदियों से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, नदियों के बारे में पढ़ेंगे, इंडिया के सारे कहाँ से निकलती हैं, कौन सी जगह से निकल रही हैं और कौन सी जगह में समा रही हैं। हिंद महासागर में समाती है या बंगाल की खाड़ी में समाती है, कौन कौन सी नदियां कहाँ समाती है। ठीक, उसके बाद उन नदियों पर बने हुए डैम, कौन सी नदी नदी पर कौन सा डैम बना है, कौन से राज्य को फायदा पहुंचा रही है। ठीक, किन दो राज्यों के बीच बनती है, ये से नदियों से बन जाएगा। ठीक, उन नदियों के किनारे बसे हुए महानगर, जैसे कोलकाता कौन सी नदी किनारे है, ठीक, और आगरा कौन सी नदी किनारे है, तो इस टाइप से क्वेश्चन उन नदियों से बन जाएगा। ठीक, और उसके बाद झील है वो तालाब, झील और तालाब भी इसी ज्योग्राफी में आ जाएगा आपका। ठीक, और पर्वत, पर्वत कहाँ के? भारत की पर्वत, इंडिया की पर्वत, इंडियन ज्योग्राफी 90% एग्जाम में इंडियन ज्योग्राफी आएगी आपकी। ठीक, भारत के पर्वत पढ़ लेंगे। ठीक, दो पर्वतों को जोड़ने वाला या दो जगह को जोड़ने वाला क्या बोलते हैं? दर्रे बोलते हैं, पास बोलते हैं। कौन सा पास किस किस को जोड़ता है, इसी में आ जाएगा। ठीक, ज्योग्राफी में ही माने तो भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, किसकी राजधानी क्या है, और उस वहां के मुख्यमंत्री कौन है। इतना तो यहाँ पर ज्योग्राफी खत्म। अगर इतना ही पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी का जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप लोग कर ले जाएंगे पेपर में। ठीक, अब बात करता हूँ हिस्ट्री से, करता हूँ बात करता हूँ, और इसी ज्योग्राफी में थोड़े विश्व की नदियां भी देख लेंगे, है ना। नई नदी कहाँ से निकलती है, कौन से देश से निकलती है, सबसे विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। ठीक, ये हम विश्व की ये कर लेंगे, और उसी में ज्योग्राफी में विश्व की जो देश है, कंट्रीज है, उनकी राजधानी, ठीक, और उनकी मुद्रा, उसी में आ जाएगा। इतना चीज पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, उसकी बात करते हैं हिस्ट्री से। मेन हिस्ट्री से आपकी 1900 से 1947 तक जितनी भी घटनाएं हुई, वो घटनाओं पे ज्यादा, उन घटनाओं पे आधारित क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं यहाँ पर। ठीक, उन घटनाओं से ज्यादा हिस्ट्री में पूछे जाते हैं। उससे पहले की हिस्ट्री बात करूं मैं, ठीक, ये 1206 से लेकर 1200 से लेकर लगभग 1558 तक की बात कर रहा हूँ। वहां से इतना ज्यादा दायरा नहीं आता है, वहां से क्वेश्चन पूछेगा जैसे त्रैन का प्रथम युद्ध कब हुआ, किसके बीच हुआ, कहाँ हुआ। ठीक, पानीपत का युद्ध किसके बीच हुआ, कब हुआ, तो ये जो युद्ध हुए थे पुराने वाले, ये युद्धों को हम लोग अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि ये एक दिन में संभव नहीं है। इनकी डेट जो है और किसके बीच में हुआ बहुत कंफ्यूजिंग है। इसके नोट्स बनाएंगे और उसको रिवाइज करेंगे तो आसानी से क्वेश्चन को हम पेपर में बना लेंगे। ठीक, और मेन ज्यादा फोकस करना है 1900 से 1947 तक जितनी भी घटनाएं हुई। बात करते हैं जलियांवाला बाग की, बात करें अशोक आंदोलन की, बात करूं, ठीक, या खेड़ा आंदोलन की बात करूं, या बात करूं गोलमेज सम्मेलन की, किस कब हुआ था, क्यों हुआ था। ठीक, और बात करूं राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, किसने की थी, सारे किस्म आते हैं हिस्ट्री में आते हैं। इतना ही पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, बात करते हैं पॉलिटी की। अब किसकी बात करते हैं, पॉलिटी से क्वेश्चन क्या पूछेगा। आई थिंक आप लोगों ने सब पढ़ लिया होगा अभी तक,
जो बच्चे सीरियस होंगे, आप लोगों ने अपना सिलेबस कर लिया होगा, अगर सीरियस नहीं पढ़ा है अभी या आप बहुत सारा सिलेबस पढ़ रहे हैं तो इन टॉपिकों पे ध्यान दें आप लोग, ठीक। अब बात किसी की बात करते हैं, पॉलिटी की बात करता हूँ, तो संसद वाला टॉपिक इससे पढ़ेंगे, ठीक। सब किस चीज से मिलकर बनता है संसद, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक। राष्ट्रपति बनने के लिए एलिजिबल क्राइटेरिया क्या होता है, कितने साल होते हैं, कितने साल की मिनिमम कितनी एज होनी चाहिए, ठीक, सैलरी की कितनी होती है और उसके पावर कितनी होते हैं राष्ट्रपति। लोकसभा की बात करूंगा मैं, ठीक, लोग कितने सदस्य हो सकते हैं, अधिकतम कितने सदस्य जा सकते हैं, राष्ट्रपति कितने सदस्य चुनता है लोकसभा में, ठीक। बात करते हैं राज्यसभा में, कौन लोग चुने जाते हैं राज्यसभा के लिए, इनका काम क्या होता है, उच्च सदन कौन होता है, निम्न सदन कौन होता है, स्थायी सदन कौन सा होता है, अस्थायी सदन कौन सा होता है, ठीक। इससे हम क्वेश्चन बनेंगे तो ये हमने बन जाएगा, ठीक। और उसी में मंत्रिमंडल से क्वेश्चन आ जाएगा, नई नियुक्तियां जो होती हैं, ठीक, बोल देगा वित्त मंत्री कौन है, रक्षा मंत्री कौन है, विदेश मंत्री कौन है, ठीक, बोल देगा श्रम मंत्रालय किसके पास है, कपड़ा मंत्री किसके पास है, शिक्षा मंत्री कौन है, ये पूछ देगा। उसी में पूछ देगा नई नियुक्तियां, ये बहुत खास है, आर्मी का चीफ बोल देगा, ठीक, एयरफोर्स नेवी का बोल देगा, ठीक, और बोल देगा रेलवे के चेयरमैन बोल देगा, चेंज हुए हाल में ही, ठीक, और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोल देगा, उप सलाहकार बोल देगा। तो इस टाइप से नए नुक्ता किस में आ जाएंगे, सारे क्या किस में आ जाएंगे, पॉलिटी में आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों सबसे ज्यादा जो आर्मी जो मांगता है, आर्मी जीडी में जो आज तक देखा हमने, सबसे ज्यादा स्टैटिक जीके आता है, सीधी भाषा में बोलूं तो रटने वाला जितने भी रहता है स्टैटिक जीके में आ जाता है सारा चीज, ठीक। स्टैटिक जीके में कौन कौन से टॉपिक को हम कवर करें कि आ जाए, स्टैटिक जीके में बहुत सारा सिलेबस है, ठीक, जो वन लाइनर जिसे आप लोग बोलते हैं, जो आप सीधे रटते हैं, सीधे भाषा में बोलो रटने वाले जो होते हैं, ठीक है। देखिए स्टैटिक जीके में आ जाता है कौन कौन से टॉपिक हम तैयार करें स्टैटिक जीके में। सबसे पहले भारत के प्रथम बात करो, पुरुषों की बात करो, महिलाओं की बात करो, भारत के प्रथम जो भी है वहां से आएगा, ठीक। और उसी में भारत का सबसे लंबा चौड़ा और ये चीजें आ जाएंगी, सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, इस टाइप से जो क्वेश्चन होते हैं तो इसमें सारी क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे, ठीक। उसके बाद क्या जाएंगे, इसे इसी में हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड करेंगे, गेम्स जित गेम्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे आएंगे बोलेगा कौन से खेल, कौन से देश का खेल, राष्ट्रीय खेल कौन सा है, बोलेगा क्रिकेट कहाँ का है, हॉकी कहाँ है, फुटबॉल कहाँ का है, गेम्स से आएगा। गेम्स से आएगा एक टीम में कितने प्लेयर होते हैं, ये आ जाएगा। कौन से गेम के फील्ड को या पिच को क्या बोलते हैं, अलग अलग नाम से बोलते हैं, क्रिकेट का पिच हो गया, ठीक, इस टाइप कोर्स हो गया, गोल्फ का तो क्या क्या बोलते हैं वो आ जाएगा, ठीक। इसी में क्या आ जाएगा, ओलंपिक राष्ट्रमंडल खेल, नेक्स्ट ओलंपिक कहाँ होने वाला था, पिछला वाला कब हुआ, और आईपीएल, ठीक, इससे पहले वाला कौन जीता, उससे पहले वाला कौन जीता, उप विजेता कौन था, कौन से स्टेडियम में फाइनल मैच खेला गया था, इससे गेम्स जाएंगे सारे, ठीक। और इसी से क्वेश्चन आ सकता है, जो फेमस पर्सनैलिटी रहते हैं, कोई भी गेम से रिलेटेड रहता है, खिलाड़ी रहते हैं, ठीक, वो कौन से गेम से है, कौन से कंट्री से बिलोंग करता है, ये भी क्वेश्चन किस में जाएंगे, स्टैटिक जीके में जाएंगे, ठीक। उसके बाद दूसरा देखेंगे हम लोग पुरस्कार, किसकी बात करते हैं हम, प्राइज, ठीक, प्राइज की बात करता हूँ, राष्ट्रीय हो अंतर्राष्ट्रीय हो, राष्ट्रीय भारत रत्न, परमवीर चक्र, जितने भी राष्ट्रीय हैं, अंतर्राष्ट्रीय नोबेल पुरस्कार जितने भी रहते हैं, उनको कहां से दिए जाते हैं, किस फील्ड में दिए जाते हैं, और 2019 में या 18 में किसको दिया गया था, ये डिटेल में पढ़ेंगे, अधिक सारे क्वेश्चन वहां से बनेंगे, ठीक। और स्टैटिक जीके में ही आता है ये टॉपिक जो है, आप लोग कॉपी पेन लीजिए, वैसे बैठे हम लोग अभी कॉपी पेन लीजिए और नोट कीजिए ना, अगर आपको आ रहा है जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ उसे आप लोग को आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो इन चीजों की तैयारी कीजिए आप लोग, तो ये क्वेश्चन पेपर में आने आने, एटलीस्ट इतनी तैयारी तो करके जाइए आप लोग, 20 दिन में आर्मी का एक जीडी निकल सकता है, अगर अच्छा पढ़ने वाला तो है, तो स्ट्रेटजी पता चल गई तो उसे 20 दिन में एग्जाम निकल सकता है, ठीक। अब बात करते हैं किसकी बात करते हैं, स्टैटिक जीके में ही बात करता हूं मैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय, जैसे WHO का है, ठीक, विश्व डाक वाला का है, स्वास्थ्य का है, मौसम का है, ये विश्व विश्व के जो संगठन, ADP एशियन डेवलपमेंट कहाँ है इस, ठीक है, काम क्या करता है, ठीक, नोबेल पुरस्कार है शांति के लिए कहाँ से मिलता है, ठीक, कितने फील्डों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, इस टाइप से पुरस्कार आ जाएंगे और संगठन आ गया आपके, कौन संगठन क्या काम करता है, ठीक। और उसी में स्टैटिक जीके में ही दिवस वाले आ जाएंगे, राष्ट्रीय हो अंतर्राष्ट्रीय हो,
जैसे महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, शिक्षक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, ठीक है, और मानवाधिकार दिवस, जितने भी आर्मी डे, एयरफोर्स डे, स्टैटिक जी के मान जाएंगे, ठीक। और इसके बाद एक डांस, ठीक, डांस डांस जितने भी नृत्य जितने भी हैं इंडिया के, ठीक, जैसे कुमांगड़ा का छोलिया डांस हो गया, गरबा हो गया, ठीक, और डांडिया हो गया, ठीक, धमाल हो गया, तमसा हो गया, मुखुटा डांस हो गया, कौन से राज्य में ये डांस परफॉर्म किए जाते, कौन से राज्य के डांस हैं ये डांस आ जाएंगे आपके, ठीक। उसके बाद क्या आएंगे आपके, कौन से इंस्ट्रूमेंट आते बजाने वाला, जैसे दीपक चौरसिया, बांसुरी, तबला वादक कौन है, उसका नाम क्या है, उनका नाम आ जाएगा किस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है, तो क्या जाएगा इसी में आ जाएगा, स्टैटिक जीके में आ जाएगा, ठीक। इतना भी आप जीके पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन यहां से देखने को मिलते हैं भाई, ठीक। और इसी में बुक आ जाते हैं, पुस्तक और उसके लेखक, ठीक, बाण भट्ट ने कौन सी बुक लिखी, गीत गोविंद किसने लिखी, ठीक, और कादंबरी, कर्मभूमि, रंगभूमि, ठीक, ये बुक है, मैं बता रहा हूँ, इस टाइप से टॉपिक आएंगे तो आप लोगों ने तैयारी करनी है उसकी, सारी बुक इसमें आ जाएंगे, ठीक, सारे लोसैंड या कोई भी बुक आप पढ़ते हैं उसमें सारे हैं ये। इन टॉपिकों पे फोकस करने की आवश्यकता है अगर 20 दिन में एग्जाम निकालना है, आई थिंक 20 या 25 दिन में एग्जाम हो जाना है भाई, 20 या 25 दिन में एग्जाम हो जाएगा। इन टॉपिक को दोबारा रिवाइज कीजिए, एटलीस्ट 4 टाइम पढ़ के जाएंगे इस सिलेबस को, तो सारे क्वेश्चन वहां से देखने को मिलेंगे, ठीक। ये हमारे जीएस का, हमारे 15 क्वेश्चन की तैयारी लगभग लगभग होगी, अगर 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन में से लगभग लगभग 12-13 क्वेश्चन निश्चित ही कर लेंगे, ठीक। अब बात आती है, सबसे मेन होता है मैथ, जो बाहर करता है अंदर करता है, कौन करता है, मैथ की बात करता हूँ, ठीक। अब मैथ का दोस्तों मैं टॉपिक बता रहा हूँ आप लोगों को, 90% यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, टाइम एंड वर्क, ये अर्थमेटिक का पोर्शन बता रहा हूँ, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सीआई, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस, नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री, ठीक। अब बात करता हूँ इनकी मैं, कौन कैसे है, तो बहुत सारे टाइम एंड वर्क यूट्यूब में डालोगे बहुत सारे हजारों वीडियो आ जाएंगे, कितना पढ़े हम लोग, कौन कौन से टाइप्स आ सकते हैं पेपर में, 13-14 घंटे की घंटे के लेक्चर होता है एक ही टॉपिक पे, 13-14 या ज्यादा घंटों की, 15-18 घंटे के लेक्चर होता है, अगर प्रॉपर पढ़ने लगते क्या एक ही को पढ़ेंगे क्या, एक एक टॉपिक से दो ही क्वेश्चन आएंगे, एक ही क्वेश्चन आएगा, तो क्या क्या पढ़ेंगे, किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं आप लोगों को प्रत्येक के क्वेश्चन बताऊंगा किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, आप लोगों को आते होंगे, नहीं आते हैं तो आप लोग यूट्यूब का गाली, आजकल ऑफलाइन क्लास तो चलती नहीं है, ऑनलाइन ऑनलाइन आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, कोई भी यूट्यूब चैनल से देखिए, उसमें टाइप वाइज उन्हें कीजिए क्वेश्चन को, ठीक। जैसे टाइम एंड वर्क में सिंपल क्वेश्चन आएगा, ए 10 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है, सी 18 दिन में करता है, अलग अलग किसी काम को, एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, ये हो जाएगा एक क्वेश्चन, इस टाइप से आएगा। दूसरा क्वेश्चन टाइम एंड वर्क क्या बोलेगा, राम की कार्य क्षमता मोहन से दुगनी है, ठीक, और राम उस काम को, मोहन उस काम को 18 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने देर करेंगे, टाइम एंड वर्क आ गया, ठीक। और वही एक वही क्वेश्चन क्या बोलेगा, ए और बी कार्य को 10 और 15 दिन में करता है, ए और बी 2 दिन तक एक साथ काम करता है, फिर ए चला जाता है, बी उस काम को कितने दिन में करेगा, टाइम एंड वर्क, टाइप बता रहा हूं आप लोगों को मैं, ये क्वेश्चन आ रहा है पेपर में, ये टाइप आप एटलीस्ट आपको आने चाहिए टाइप, ठीक। उसके बाद करता हूँ देखो एमडीएच मसाला, जो सभी लोग जानते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। जैसे 10 महिलाएं 5 पुरुष किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, तो 6 महिलाएं 2 पुरुष उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, इसमें आ जाता है, ठीक। ये वही और वही बात करते हैं, 4 बंदर 4 के लिए 4 मिनट में खाते हैं, तो 12 बंदर 12 के लिए कितने मिनट में खाएंगे, एमडीएच से ही बनेगा भैया, खत्म। परसेंटेज से एक सिंपल परसेंटेज से क्वेश्चन आता है, 250 का 50% कितना है, ऐसा सिंपलीफाई करना, वो आपकी परसेंटेज की पकड़ देखना चाहता है, परसेंटेज में आप समझते नहीं समझते क्या, ठीक। इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। परसेंटेज का दूसरा क्वेश्चन आएगा, एक क्लास में 70% लड़कियां हैं, अगर लड़कों की संख्या 200 है, समझ रहे हो, एक क्लास में 70% लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या 200 है, तो उस क्लास में टोटल विद्यार्थी कितने हैं, ये भी किसमें आएगा, परसेंटेज में आएगा, ठीक। दूसरा आएगा, अगर वर्ग की भुजा को, ये क्वेश्चन बता रहा हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, वर्ग की भुजा को 10% बढ़ाएंगे तो उसके एरिया में कितना इफेक्ट पड़ेगा, किसमें आएगा, परसेंटेज में, ठीक। अब एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, एक उम्मीदवार को 70% वोट मिले और 700 वोटों से जीत गया, तो उस वोटर लिस्ट में या कितने लोगों ने वोट दिया,
ठीक। एक क्वेश्चन और बनता है, ठीक। एक लड़का 30% नंबर लाता है, 210 नंबरों से फेल हो जाता है। अगर 50% लाता है तो 150 नंबर अधिक लाता है, तो 5% किस में है, परसेंटेज में। इससे बाहर ही क्वेश्चन नहीं आना भाई। ये टाइप बता रहा हूं, जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं आप लोग सुन रहे होंगे और आप लोग को आ रहा है, ठीक है। नहीं आ रहा तो अपने आत्मा से पूछिए भाई, तैयारी कीजिए अभी भी, ठीक। प्रॉफिट लॉस की बात करता हूं, सिंपल प्रॉफिट लॉस तो सिंपल ही है, हो जाएंगे इसके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, और डिस्काउंट छूट डिस्काउंट वाला भी इसी में आ जाएगा, प्रॉफिट लॉस में आ जाएगा, ठीक। क्या बोल देगा प्रॉफिट लॉस में, देखो 12% लाभ पर बेचने पर किसी वस्तु को 960 में बेचा, 12% लाभ पर बेचने पर किसी वस्तु को 960 में बेचा, तो उसका क्रय मूल्य कितना है, ठीक। उसका क्रय मूल्य कितना है, इस टाइप से क्वेश्चन किसमें आएंगे, प्रॉफिट लॉस में आएंगे। साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, जरा कॉम्प्लिकेटेड है ये, थोड़ा जटिल है, लेकिन आसान बनाने के लिए बहुत सारे चैनल हैं। वैसे मैं भी अपनी इस चैनल पे सारे कल परसों से CRSI के पूरे एक पूरा सीरीज लेके आऊंगा आसान भाषा में, इससे बन जाएंगे क्वेश्चन। कोई धनराशि 5 रुपए की धनराशि बोले 1000 रुपए बन जा रही है 2 साल में, किस ब्याज दर से बढ़े, ये बोलेगा, ठीक। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, आना ही आना है क्वेश्चन। कोई धनराशि 5 वर्ष में 25 गुना हो जा रही है, कितने वर्षों में 18 गुना होगी, ये भी हो जाएगा, इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे इसमें, ठीक। अब अगर टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन वाले जितने भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक, D=SN2T से जो बनते हैं हमारे, डिस्टेंस स्पीड एंड टाइम, ट्रेन वाले क्वेश्चन जितने भी आते हैं सब इसी में आएंगे। क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कोई ट्रेन एक खंभे को 10 सेकंड में पार करती है जिसकी लंबाई 150 मीटर है, ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए, इसमें आ जाता है, ठीक। एक दूसरा क्वेश्चन आता है, एक ट्रेन इधर से आ रही, एक ट्रेन इधर से आ रही, अपोज में एक दूसरे के, इसकी भी चाल दी रहेगी, इसकी भी चाल दी रहेगी, एक दूसरे को कितने मिनट या कितने सेकंड में पार करेगी, वो क्वेश्चन भी टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक। एक क्वेश्चन आता है, राम अपने स्कूल 10 किलोमीटर प्रति घंटे से जाता है और स्कूल से 8 किलोमीटर प्रति घंटे से आता है, आने जाने में 10 घंटे, आने जाने में आधा घंटा लगता है, 30 मिनट लगते हैं, तो राम के घर से स्कूल की डिस्टेंस कितनी है, किसमें आता है, टाइम एंड डिस्टेंस। टाइप बता रहा हूं आप लोगों को मैं, ठीक। नंबर सिस्टम बहुत आसान, एलसीएम एचसीएफ भी नंबर सिस्टम में आ जाएंगे आपके, ठीक। मेंसुरेशन 2D और 3D बहुत आसान है, अगर फॉर्मूले याद है आप लोगों को तो आप लोग मेंसुरेशन भी कर ले जाएंगे, ठीक। ट्रिग्नोमेट्री में ज्यादा टफ नहीं आएगा, वैल्यू आएंगे, sin 90 कितना होता है, sin 60 कितना होता है, cot 45 कितना होता है, वो वैल्यू हम रट भी सकते हैं, ठीक। और उससे थोड़े फॉर्मूले लाल भट्टे का आपको पता ही होगा, उससे भी तो कुछ बन जाएंगे, तो ट्रिग्नोमेट्री भी खत्म हो जाए। हाई लेवल के नहीं आना है, जितना पेपर में आए उतना ही पढ़ के जाना है भाई, खाली ज्यादा पढ़ के जाएंगे तो व्यर्थ चले जाएगा, वो व्यर्थ चले जाएगा, नहीं खिचड़ी बन जाएगी माइंड में, तो टफ पढ़ के नहीं जाएंगे ज्यादा, है ना। अब बात करता हूँ रीजनिंग के, बहुत आसान है रीजनिंग के, सारे बच्चे सारे क्वेश्चन करके आते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, ठीक। कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग सीरीज, ब्लड रिलेशन, कैलेंडर और क्लॉक, नहीं आ रहा एक आध साल, पिछली भर्ती में नहीं आया था, क्या बताया, इस भर्ती में आ जाए, डायरेक्शन और रैंक, ठीक। कोडिंग डिकोडिंग में पता होगा आप लोगों को, ABC को DEF बोलते हैं, ठीक, ZEF को क्या बोलेंगे, इस टाइप से किसमें आगे, कोडिंग डिकोडिंग में आगे, ठीक। सीरीज में क्या आगे, सीरीज की बात करता हूँ, 2 4 नेक्स्ट क्या होगा, ठीक, इस टाइप सीरीज में आगे, 1 3 5 नेक्स्ट क्या होगा, ये किसमें आगे, सीरीज में आगे आपके। ब्लड रिलेशन बहुत आसान भी है और आता भी एग्जाम, ठीक, रक्त संबंध इससे आएगा। कैलेंडर और क्लॉक, कैलेंडर में आएगा, अगर आज संडे है, आज से 150वें दिन बाद कौन सा दिन होगा, कैलेंडर में आएगा, ठीक। आपके एग्जाम में ये नहीं आना भाई 1947 में कौन सा दिन था, 15 अगस्त 1947 में कौन सा दिन था, 26 जनवरी 1950 में कौन सा दिन था, इतना टिपिकल भी नहीं आएगा। अगर कैलेंडर पढ़ेंगे तो सारा ही पढ़ेंगे उसे, ठीक, लेकिन पेपर में आपका उतना ही आएगा। क्लॉक में आ सकता है, ठीक, 5:30 बजे 5:30 में मिनट और घंटे के बीच में कितने का एंगल बन रहा है, सुइयों के बीच में कितने का एंगल बन रहा है, क्लॉक में आता है आप लोगों को। डायरेक्शन में दिशा वाला जितने आता है, राम अपने घर से 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, फिर दाएं मुड़ा बाएं मुड़ा, इस टाइप से क्वेश्चन आता है। रैंक वाली, रैंक भी आ सकता है, ठीक, राम का स्थान दाएं से 15वां है और बाएं से 16वां है, उस लाइन में टोटल कितने विद्यार्थी हैं, ये आ सकता है, या इंटरचेंज वाले आ सकते हैं, ये कदम।
रीजनिंग है, पूरे क्वेश्चन आप सभी बच्चे करके आते हैं और इजी टॉपिक है, प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित होंगे। उसके बाद किसकी बात करता हूँ, बेसिक साइंस की बात करता हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, सब बायोलॉजी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। लाइफ साइंस जो डेली डे लाइफ में हमारे यूज होती है, जो साइंस आसपास हमारा पूरा साइंस है, ठीक, लाइफ साइंस से बोलते हैं, वहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बायोलॉजी में ज्यादा ध्यान दें, जैसे रोग हो गए, कौन से रोग के लिए कौन से विटामिन कारगर होता है, उनके केमिकल नेम क्या है, ठीक, इंस्ट्रूमेंट और उनका खोजकर्ता, ठीक, और जैसे बैरोमीटर क्या काम करता है, ठीक, और सीटी स्कैन क्या होता है, इस टाइप से जो छोटे छोटे डेली लाइफ में यूज होता है वो साइंस में आता है। धान सोडा क्या होता है केमिस्ट्री में, ये सारी चीजें इसमें आ जाता है, ठीक। अगर इतना भी सिलेबस आप देखने आएंगे तो 20 दिन में कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का, एक सिलेक्टेड चीज पढ़ेंगे हम लोग, ठीक। अब बात आती है कितने क्वेश्चन करें कि एग्जाम में हमारा सिलेक्शन हो जाए, कितने करने हैं, हमने ध्यान से देखिए आप लोग कितने करने हैं। कम से कम अगर सेफ जोन में आप लोगों को लाना है तो कितने करेंगे, जीएस में कितने क्वेश्चन करने पड़ेंगे, 10 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ठीक। मैथ में 13 क्वेश्चन हो सकते हैं, आसान आता है 13 क्वेश्चन हो सकते हैं। रीजनिंग में 5 के 5 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग में 5 के 5 क्वेश्चन होंगे भैया, और 10 क्वेश्चन किसमें ले आप, साइंस में, ठीक। कितना हो गया है, कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, 38 क्वेश्चन बन रहे हैं, 38 प्रश्न के बन रहे हैं। अगर मेरे पेपर में 38 प्रश्न सही हैं, सही की बात करना, तुक्के की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, सही क्वेश्चन है तो मैं सेफ जोन में आ जाऊंगा, मुझे कोई बाहर नहीं कर सकता है। अगर इसमें से 3 गलत भी हो गए, 35 क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे, इतने में हमारा क्या हो जाएगा, इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक। जो सिलेबस बताया आप लोगों को समझ में आया, क्या क्या पढ़ना है, ठीक, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को, ये टॉपिक वाइज आप लोग तैयारी कीजिए इसका, ठीक। 38 क्वेश्चन कोई भी बच्चा कर सकता है भाई आसानी से, ठीक। और एक बात मैं ये बोलता हूँ, अभी बहुत सारे लोग देखो कोरोना की वजह से अब 1 या 1.5 साल तक, मान लो 2 साल तक कोई ओपन भर्ती नहीं आने वाली है, जिस हिसाब से कंडीशन बनी है देश की या पूरे वर्ल्ड की, 2 साल तक कोई वैकेंसी नहीं आएगी, वैकेंसी मतलब आर्मी की ओपन रैली नहीं हो सकती है। इसलिए जिसका मेडिकल और फिजिकल पास है आप लोग मेहनत कीजिए तो सिलेक्शन हो जाएगा भाई, लापरवाही मत कीजिए, ठीक। और खासकर किसके लिए है सिलेबस, जिसका रानीखेत ओपन भर्ती है, रानीखेत ओपन भर्ती, ठीक। पहले 28 को डेट दी थी, 28 जून को शायद अब पेपर इसका 28 को नहीं है, पता कर लेना आप लोगों को, नंबर उन्हें प्रोवाइड करा रखा आर्मी ने, वो आप देख लेंगे, ठीक है। और मैं आप अपनी पूरे उसमें मैथ की पूरी सीरीज लेके आने वाला हूँ, मैथ की सीरीज लेके आएंगे तो फिर देखेंगे हम लोग कैसे कैसे हम मैं वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा आप लोगों को, वैसे भी आप लोगों की तैयारी हो चुकी होगी, ठीक है। इस और आप लोगों को सभी लोगों को गुड लक, अच्छे से मेहनत कीजिए, पेपर दीजिए, निश्चित ही सफलता मिलेगी आपको, ठीक, धन्यवाद।